सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो तुम्हारा गीत प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, शंकर भगवान की। मुझे वीना विरमानी जी ने बताया कि आज उनकी बेटी भी गाएगी, तो मैं उन्होंने बताया था कि 9 बजे के आसपास गाएगी, तो मैं चूंकि उनका सीनियर हूँ, मैंने कहा एक बार फिर से गवा दो, ये मेरी विनती है। वैसे जिसके घर में कोई गाने वाला होता है, समझ लीजिए आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा है, तभी वो किसी के घर में गाने वाला या फिर कोई साज बजाने वाला होता है। अभी राम राणा जी बहुत अच्छा गा रहे थे, आपका स्वर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जितने लोग थे वो कहानी में जब घुसा तो आपका कहानी चल रहा था, तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसलिए मैं आपने सबसे पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि वो तो भाग रहा था कि अब शंकर जी पकड़ लिए हमको, कुछ करेंगे। वो बोले तू आ, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, वहीं से हम लोग आ गए थे। और आपकी टीम भी कमाल है, इतनी सुरीले संगीतकारों की टीम है, ताल में लय में। और मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम हर साल होता है। हाँ, बस मैं एक चीज से ना थोड़ा सा मेरा मत, चूंकि आप जो करते हो मैं भी करता हूँ, मेरा एक जगह विभिन्नता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को आप कहें कि आप खड़े होके ताली बजाओ, आप सुनने दो, सबकी साधना अलग अलग होती है। हो सकता है कोई सुनते सुनते इतना ध्यान मग्न हो गया कि वो उसमें डूब जाता है, तो उसे खड़ा मत कराओ। या किसी को ये कहना कि आप हाथ नहीं उठाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा बोली बाबा थोड़ी कहते हैं। अक्सर ऐसा गायक लोग बोलते हैं, जो हाथ नहीं उठाएगा उसका नुकसान हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं भाई, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं, तो सब थोड़ी यहाँ आया है। कितने लोग तो बाबा को जल चढ़ा करके और बेलपत्र चढ़ा के खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी पे में वो हमारे यहाँ, चूंकि मैं भी इसी गायक बिरादरी का ही हूँ, तो हमने भी बहुत लोगों को देखा है कि अगर आपने हाथ नहीं बटवाया तो आपके घर में आपको पाप लगेगा। अरे क्यों लगेगा, हम आए हैं, बाबा का गीत सुन रहे हैं। और संगीत आपका इतना पक्का सुर है ना, इतना अच्छा सुर है कि आप गाते रहो, लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा सुधार कर लिया इसमें, जो कि मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ, मैं 1996 में गुलशन कुमार जी थे तब से मैं गाना गा रहा हूँ। तो माता के गीत, भगवान के भजन, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको ऐसा कहा, हमको भी बोल रहे थे खड़े हो जाओ, मैंने कहा तो गाना गाओ, मैं सुन रहा हूँ। आइए, हाँ आप गा रहे हो, मैं उसके बाद मैं भी गा दूंगा। हाँ, मेरी भी एक हाजिरी लग जाएगी महाशिवरात्रि पे, तो मैं भी गाऊंगा। अभी आप जो गाओगे उसमें मैं साथ दूंगा, और फिर राम को भी बुला लेंगी वो भी। अच्छा हम ही कहाँ हैं, अच्छा ठीक है, हमें एफ शार्प दे दीजिए। धर रे ना हे ओम नमः शिवाय नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर 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 महादेव महादेव हर हर महादेव हर हर। हम जब हर 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 कहते हैं तो बाबा से दुखड़ा हरने को, हम जब जब हर हर कहते बाबा से मेरी ईर्ष्या हरने को, जब जब हर हर हम कहते हैं मेरा अभिमान है हरने को, हर हर महादेव। धन तरंग दिन धन तरंग दिन हर हर महादेव महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 लोकों के स्वामी हे तीनों लोकों के स्वामी हे तीनों लोकों के स्वामी तू देवों के दे तू देवों के हे तीनों लोकों के स्वामी हे तीनों लोकों के स्वामी हे देवों के दे हर 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 महादेव हर 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 महादेव। हे काशी कैलाश निवासी हे काशी कैलाश निवासी हे देवघर के हे बाबा तेरे शरण में जो आए हैं उसको हाथ लगा दो बाबा उसको हाथ लगा दो बाबा उसको हाथ लगा दो बाबा उसको हाथ लगा दो। हर 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 महादेव 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 हर 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 महादेव। राम कृष्ण सब
सबसे तेरी बनती, राम कृष्ण सबसे, राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, तू देवों के देव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतारम संसार सारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, भुजगेन्द्र हारम। ये तो आप सभी कह सकते हैं, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतारम संसार सारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, भुजगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भजं भवानी सहितं नमामि, भजं भवानी सहितं नमामि। हो गौरी शंकर तेरी महिमा, गौरी शंकर तेरी महिमा, गौरी शंकर तेरी महिमा, जाने है हर दे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, अरे राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, तू देवों के देव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हरे राम कृष्ण, राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, तू देवों के दे। हर 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 महादेव, 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 हर 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 जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। अभी धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं। तुमने पहले क्या गाया? सुनाओ? हाँ सुनाओ ना एक बार। आप लोग भी गाते हैं ना? सब लोग सब गा ही रहे थे। अब सबने साथ में गाना है। एक बार सुन चुके हैं, अब रिवाइज कर लो। शिव के लाशों के वासी, खोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। शिव के लाशों के वासी, तेरे के लाशों का
की सच्चे दरबार की जय। सर आपकी वजह से दो बार संकट हर गए हमारे। नहीं, अच्छे बहुत अच्छी लाइन है, संकर संकट हरना। वैसे तो होली का महीना भी चल रहा है, फागुन का महीना है, शहरों में पता नहीं चल पा रहा है, तो आजकल तो रोज शाम को किसी गांव में चले जाइए तो लोग होली के गीत गाते हैं। और होली के गीत पता नहीं आप लोग कितने लोग गांव में रहे हैं, गांव में जब होली होती है तो सबसे पहले शंकर जी का ही गीत गाते हैं और शंकर जी को मनाते हैं। अब अगर शंकर जी को मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? शंकर जी को मनाना हो तो शंकर जी का विचित्र आदत है तो हमारे गांव में एक गीत गाते हैं, वही सुर दीजिएगा जो हम लोगों का था। क्या था? अब देखिए भाई, गाय थोड़ा सा उसमें भोजपुरी पुट है, आप समझ लेंगे ना। हाँ, शंकर जी को मनाते हैं। भैया थोड़ा सुर दे दे, दे। हाँ। कैसे मैं शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कैसे मनाऊं शंकर जी को, मान ही नहीं रहे। मानत नाही शिव मानत नाही, उसको दादरा में हम लोग रखते हैं कि कैसे मैं शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। अब मैं जब आया यहाँ पे तो मैं देखा शंकर जी के गले में नोटों की माला लगी और हमको किसी ने दिया लो जाके फूल की माला डालो। हमने कहा पहले नोट की माला हटाओ, क्योंकि शंकर जी के मूर्ति पे, इतनी सुंदर मूर्ति पे आप 50-50 का नोट डाल दीजिए तो मूर्ति अजीब दिखती है। तो मैंने कहा पहले बीना जी से इसको उतरवाओ, लेकिन अब जिसने डाला होगा उसका अपना मस्ती है, उसकी डाल दिया। बाबा जो दिए हो उसमें 10% तुम्हारा ही है। लेकिन गाने में क्या है, अरे रुपया या कपड़ा उनके मन ही ना भावे, रुपया यो कपड़ा उनके मन ही ना भावे, रुपया यो कपड़ा उनके मन ही ना भावे, रुपया यो कपड़ा उनके मन ही ना भावे। क्या अच्छा लगता है, टूटही मड़ैया कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई। टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, पहाड़ के ऊपर कैलाश पर्वत में जो गुफा मिल गई वहीं रह जाते। अरे साला दुसाला शिव के मन ही ना भावे, साला दुसाला शिव के मन ही ना भावे। आप लोग भी गाइए, साला दुसाला शिव के मन ही ना भावे, साला दुसाला शिव के मन ही। अरे मिर्गा के छाल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई। मिर्गा के छाल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई। कैसे मैं शिव के मनाई हो, शिव मानत नाई। अब दूसरी बात, अब सोचते हैं कि बाबा को दो चार तो फ्लैट दे दे,
महला दुमहला शिव के मन ही ना भावे, महला दुमहला शिव के मन ही ना भावे, महला दुमहला शिव के मन ही ना भावे, महला दुमहला शिव के मन ही ना भावे। देखो सबसे ऊपर गौरा मैया की फोटो, शंकर भगवान, गणेश जी और कार्तिकेय जी, पीछे में क्या दिख रहा है, उनके पीछे क्या है, क्या क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ पत्ती दिख रहा है, क्योंकि वो जहां रहते हैं गौरा मैया यही तो उनको बार बार कहती है कि कैसे लोगों, कैसे शिव जी तुमसे कैसे शादी हो गई, तुम जंगल में मुझे रखते हो। तो भगवान को तो महल दुमहल से नहीं मना सकते, महला दुमहला शिव के मन ही ना भावे, महला दुमहला शिव के मन ही ना भावे। हरे गुफा कंदरा कहाँ पाई हो शिव मानत नाई, गुफा कंदरा कहाँ पाई हो शिव मानत नाई, कैसे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाई, कैसे के शिव के मनाई हो शिव मानत नाई। अगर मेरा मन करके इनको घोड़ा दे देते, हाथी दे देते, अरे घोड़ा हाथी शिव के मन ही ना भावे, घोड़ा हाथी शिव के मन ही ना भावे, घोड़ा हाथी शिव के मन ही ना भावे हो, मन ही ना भावे, मन ही ना भावे हो, मन ही ना भावे, मन ही ना भावे हो, मन ही ना भावे। फिर बसहा बैल कहाँ पाई हो शिव मानत नाई, बसहा बैल कहाँ पाई हो शिव मानत नाई, मानत नाही शिव मानत नाई, मानत नाही शिव मानत नाई, बेलपत्र लावा चढ़ाई हो शिव मानत नाई, बेलपत्र लावा चढ़ाई हो शिव मानत नाई, बेलपत्र लावा चढ़ाई हो शंकर भगवान कैसे मानेंगे, बेलपत्र से मानेंगे, न घोड़ा से मानेंगे, न हाथी से मानेंगे, न महल से मानेंगे, न तो महल से मानेंगे, स्टैंडिंग कमेटी कुछ भी दे दे उससे थोड़ी मानेगी। लेकिन बेलपत्र से खुश हो जाए। आज मैंने भी भूप बाबा को जल चढ़ाया और एक बाल्टी दूध चढ़ाए यार, जो शंकर जी पे जल चढ़ाते समय जो खुशी होती है मन में, वो खुशी का कोई वर्णन हो सकता है, नहीं हो सकता। बेल पत्र चढ़ा के भोले बाबा खुश हो जाते, तभी तो वो कहानी कह रहे थे ना कि वो तो चढ़ा था घंटी चुराने, बाबा कहीं तो खुद ही को चढ़ा दिया, आओ आओ तुमको आशीर्वाद ले जाओ। गणिका को तारे अजामिल को तारे, गणिका को तारे अजामिल को तारे, अरे बेल पत्र शिव पे चढ़ाई हो शिव मानत भाई, बेल पत्र शिव के चढ़ाई हो शिव मानत भाई, मानत भाई मान जाते। ऐसे हमारे भोले बाबा के लिए, वैसे तो हम लोग कहानी कहते ही हैं, गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन याद कहाँ रहता है बताइए। सारे संसार में भोले बाबा की पूजा होती है और हमारी गौरा मैया खुले में पेड़ के नीचे पत्थर पे रहती है, ये कहानी हमारे वेद शास्त्रों ने क्यों बनाई? कभी अगर हम लोग ध्यान करें, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत सुरीले हैं, मैं भी थोड़ा आज अपने को
मैं रोज कहते कहते कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अभी मैं सोच रहा हूँ आज मैं असली बाबा के पास आया हूँ। इन्हीं की कृपा से हमारी सेना भी कमाल कर रही है, इन्हीं की कृपा से हमारे मोदी जी भी कमाल कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से वीना बिरमानी और गुलशन बिरमानी भी कमाल कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम लोग इतने लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं कभी कभी ना, चूंकि मैं सोचता हूँ कि भाई सारी दुनिया में पूजा होती है और बाबा पहाड़ में रहते हैं, कमाल है। तो सोचो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं कि देखो हमारा जरा इधर का नाला नाली ठीक कराओ। कभी भोले बाबा का लेटर आया क्या? क्योंकि वो तो जहां बैठ जाते हैं वो गंदगी करते ही नहीं है, वो तो हमेशा अपने पास से स्वच्छ गंगा बहाते हैं। तो हम लोगों को तो उनसे सीखना चाहिए कि बाप रे बाप, उनके जटा से गंगा निकल जाती है। संसार गाता है मस्त मलंगा जटा में गंगा, जय जय शंकर दानी। महाशिवरात्रि पे बाबा का गीत करा रही वीना बिरमानी। लाइन तो ऐसी बनती है, मंगल भवन अमंगल हारी गीत गा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? चार्वी। गीत गा रही चारवी मनोज तिवारी, मंगल भवन मंगल हारी। लेकिन हर बात में कुछ ना कुछ छुपा है। हम हंसी मजाक में कह रहे हैं, लेकिन सोचिए कि कभी गौरा मैया ने कभी शिकायत नहीं की कि तुम ऐसे क्यों रहते हो, मुझे यहां ले आए, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, कुछ नहीं बोलती हैं। और ऐसे ऐसे बाप रे बाप, गणेश जी और उनके दूसरे पुत्र का नाम कार्तिकेय जी। तो हम लोग अपने इस बाबा महाशिवरात्रि पे हम लोग भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, एक ही फ्लैट बन गया उसी में जिंदगी गुजार लेंगे। यहाँ तो इतनी गाड़ियां हो गई हैं दिल्ली में कि हम लोग पार्किंग बनाएंगे 10-12 साल तब भी गाड़ियों की पार्किंग सही नहीं हो पाएगी। और बाबा के पास बैल है। अभी वो कर रहे थे ना शादी की बात, मुरारी बापू जी की कथा में सुनता रहता हूँ। मुरारी बापू जी बोलते हैं कि जब शंकर जी बारात में गए ना, तो बैल के जिधर मुंह था उधर पीठ कर लिए थे, जिधर पूंछ था उधर मुंह कर लिए थे। तो उनके कुछ लोगों ने उनको सिखा, कहा कि देखो थोड़ा आज तुम्हारी शादी है, थोड़ा सा ये अपने ससुराल वालों पे थोड़ी कृपा कर दो, सीधे बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा कि जब बैल को दिक्कत नहीं है तो तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? बैल तो नहीं बोल रहा है कि हम नहीं चलेंगे, हम उल्टा भी बैठे तो चल ही रहे। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। महाशिवरात्रि के इस त्योहार पे आप सब लोगों को हमने इसीलिए सुनाया कैसे कि शिव को मनाई हो, क्योंकि जीवन में बहुत अभाव हो सकते हैं साथियों, बहुत सारी कमी हो सकती है, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अच्छा है तो सारी दुनिया अच्छी है। सब लोग आपके आसपास रहेंगे, प्यार करेंगे, एक जागरण करोगे बुलाओगे तो मार खचाखच पंडाल भर जाएगा, अध्यक्ष भी दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। हम न जाने कहाँ के, तुम न जाने कहाँ के, वो न जाने कहाँ के, एक जगह ला करके भोले बाबा ने दिल्ली में जोड़ दिया हम लोगों को। आप सभी को चारवी, आप अच्छा ही गाते हो, और आप गाते हो तो लगता है शास्त्रीय संगीत सीख रहे हो। हम भी इसी में थोड़ा सा अपना रियाज कर लिए। बस जाते जाते आप लोगों से भोले बाबा का, चूंकि मैं भोजपुरी गीत गा गा कर यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मैं सारी दुनिया को बोलता हूँ कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को, आप राजस्थान से हो राजस्थानी कभी मत भूलो, आप हरियाणे से हो हरियाणवी कभी मत भूलो, आप गुजरात से हो गुजराती कभी मत भूलो। इस देश का जो अलग अलग बाग है उसकी खुशबू लेकर के हम दिल्ली जाएं बॉम्बे जाएं, लेकिन अपनी अपनी कल्चर को जरूर याद रखिए, फिर आपको जीने का आनंद आने लगेगा। और बच्चों को भी सिखाइए। मैं भोजपुरी कई ऐसे गाने गाता हूँ। आजकल मेरा एक गाना चलता है रिंकिया के पापा, मैंने गाया, मैं गाते समय सोचा ही नहीं
पूरी दुनिया गाने लगेगी। नहीं, वो गणेश जी के पापा फिर हो जाएगा। वो हमने चूंकि उसमें भी शंकर जी का और गौरा मैया का थोड़ा थोड़ा है, एक बार हमको ना एक गाना मिला गाने को कि गौरा मैया ने एक दिन हड़ताल कर दी, बोला भोलेनाथ अब तुम्हारा भांग हम नहीं पीसेंगे। तो पता नहीं आप लोग कभी सुने भी होंगे, थोड़ा सा वही सुर दीजिएगा भैया एक बार। अरे भोला भांग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों बांह दुखाए। अरे तेरी एक दिना की हो तो घोटू, पर रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, मेरी भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों बांह दुखाए, मेरे दोनों बांह दुखाए, तेरी एक दिना की हो तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। जब से ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, मैं तो जब से ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे, गौरा मैया ने कहा राम करे, क्योंकि दिन भर शंकर जी राम 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 सीताराम करते। राम करे ऐसा हो जाए सिलबट्टा ही टूटे, हाँ टूटे हो टूटे। देखो जब लोग गुस्से में आते हैं ना, जब लोग गुस्से में आते हैं तो ख्याल नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। अब गौरा मैया कह रही है कि ऐसा हो जाए कि सिलबट्टा ही टूट जाए। अरे पहाड़ पे रहते हैं, रोजे सिलबट्टा मिल जाएगा, लेकिन गुस्से में तो कुछ भी निकलता। राम करे ऐसा हो जाए सिलबट्टा ही टूटे, हाँ टूटे हो टूटे। रोज रोज की अकड़ तेरी और सही ना जाए। लोग ये मत सोचिएगा कि हम जितनी यहां पे महिलाएं बैठी हैं शादीशुदा उनको भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं करें। ये भोले बाबा की कहानी, जिसको जो लेना है ले ले। गौरा मैया ने कहा सुनिए, अरे रोज रोज की अकड़ तेरी और सही ना जाए। एक दिन आकी हो तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों बांह दुखाए। तेरी एक दिन आकी हो तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। अब भोले बाबा बड़ा संकट में थे। भोले बाबा सोचे अगर आज गौरा से दब गए तो बड़ा खतरनाक है। भोले बाबा ने कभी गौरा जी से गुस्सा नहीं किया। गौरा जी ने तो कहा कि हमें पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मुझे भेजो। भोले बाबा ने कहा देखो बिना बुलाए नहीं जाता, तुमको जानबूझ के नहीं बुलाए हैं लोग। बोले नहीं नहीं मेरे पिताजी भूल गए होंगे, मेरे पिताजी हमको याद नहीं, इतनी भीड़ भाड़ है ना, बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मेरे पिताजी भूल गए होंगे। शंकर भगवान सब देख रहे, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो गौरा मैया के लिए तो शंकर जी कभी जीवन में, सोचिए उसके बाद क्या क्या होता है सबको पता है। गौरा मैया इतने गुस्से में आई, और गुस्से में इसलिए नहीं आई कि वहां शंकर जी का नाम नहीं था, वहां पे गौरा का निमंत्रण नहीं था। गौरा मैया को इसलिए डिसीजन लेना पड़ा कि वापस जाके हम शंकर जी को क्या कहेंगे।
शंकर जी ने तो हमें मना किया था, मेरे पति ने हमसे ठीक बोला था, तो गौरा मैया की बात कभी भी भोले बाबा ने नहीं टाली, आज पहली बार टालने जा रहे। बोला सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी, सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी, बिन भांग रहा ना जाए, बिन भांग रहा ना जाए, गौरा तुझको छोड़ दू लेकिन भांग न छोड़ी जाए, भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटक घोटक हारी। मैं इस पे बड़ा सोचता हूँ कि गौरा माने गौरा मैया से बाबा ने कहा तुमको छोड़ दूंगा भांग नहीं छोड़ू, आज मैं सांसद हूं, आज मैं दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं इस पे बड़ा रिसर्च किया क्यों बोला बाबा ने, तब मुझे समझ में आया ये भांग नहीं है विष है, भांग नहीं यह विष है, समुद्र मंथन में निकला ये भांग नहीं है विष है, समुद्र मंथन में निकला ये भांग नहीं है विष है, गौरा केवल पत्नी है पर मैं सबका मालिक हूँ, गौरा केवल पत्नी है पर मैं सबका मालिक हूँ, अगर एक तरफ सृष्टि को बचानी हो और एक तरफ गौरा को बचाना हो तो जो अपने परिवार का त्याग कर सकता है वही महादेव हो सकता है, वही महादेव हो सकता है। और जब ये बात गौरा मैया को पता चली, शिव शंकर से कहे भगवती तेरी गति है न्यारी, शिव शंकर से कहे भगवती तेरी गति है न्यारी, भर भर झोला पियो भांग तू, तू जीते मैं हारी, मैं हारी, मैं हारी, भोला भांग की महिमा का के मृदुल मनोज सुनाए, अरे गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग छोड़ी जाए, भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटक घोटक हारी, फिर दोनों हाथ दुखाए, फिर एक दिन आती होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटक घोटक हारी। अब ऐसे में कभी कभी गाना मेरा बन जाता है, ही हांस दे ले रिंकिया के पापा, अब बताओ एक लाइन गाने से सब कोई हंसने लग रहा है आजकल, मैं अंग्रेजी स्कूलों में जा रहा हूं वहां भी बच्चे सुन सुन के हंसते, अच्छा अच्छा म्यूजिक। ये गाना मैंने सिर्फ हंसने के लिए ही गाया है, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देली रिंकिया के पापा, ही राम सिया 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 राम, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया 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 राम, हो यहाँ ही वही जो राम रचिरा था, अच्छा है ये भी है, लेकिन कभी कभी नए ढंग से बना के गाना चाहिए, लकीर के फकीर होने में कोई बहुत फायदा नहीं। हाँ हो यहाँ ही वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाख,
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम यही पर यही कर सत्य सनेहू जेही पर जेही कर सत्य सनेहू जेही पर जेही कर सत्य सनेहू सोते ही मिलही। अब देखिए यहाँ पे वीना बिरमानी जी ने और गुलशन जी ने हमको बुलाया, मुझे भी नहीं पता था मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आजकल मेरा दिन भर पांच घर रूठ कर मनाने में जाता है, टाइम पे पहुंचता नहीं हूं, तो बाद में फिर जाता हूं, थोड़ा सा नहीं आ पाया। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा है, जही पर जही कर जही पर जही कर सत्य सनेहू सोते ही मिलही ना कछु संदेह जही पर जही कर सत्य सनेहू सोते ही मिलही ना कछु संदेह राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम शंकर जी को सबसे प्यारा क्या है ना, क्या लगता है? राम का नाम लगता है। शंकर जी को अपनी गुणगान अच्छा नहीं लगता, वो तो राम नाम की धुनी लगाए रहते हैं। इसलिए हम जितने लोग हैं सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ, और जो योगा योगा करता हो हाथ उठा सकता है पूरा, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 सिया राम सिया राम सिया राम हो प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल पार्वती पतये हार हार महा जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव बोल शंकर भगवान की जय। अरे बाबा बड़ा ही फीका जगह, दोनों हाथ ऊपर उठा के ये सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। प्रभु श्री गणेश जी की वंदना है, आप सभी ने मेरे साथ गाना है। हाँ हाँ हाँ
गणकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गणनायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुण मंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणादेशाय गुण प्रवेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्र श्री गणेशाय धीमहि चतुराय गान प्राणाय गानंतरात्मने गानोत्सुकाय गान मत्ताय गानोत्सुक मन से गान मत्ताना गुरु पूजिताय गुरु देवताय गुरु कुलस्थाय दत्ताय वक्रतुंडाय गौरीतनिदाय धीमहि गणेशानाय बालचंद्र श्री गणेशाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि श्री गणेश
शायरी